नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा जो 9 है उसकी अर्थशास्त्र की जो पुस्तिका है उसका पार्ट 1 अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी आज हम करने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे जो 9th क्लास का हमारा जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के जो अगर आपने चैप्टर नहीं देखे सोशल साइंस के तो आप जरूर देख लीजिएगा, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति और भारत की स्थिति और आकार जो भूगोल का चैप्टर 1 है वे हमने कर रखा है और लिखित रूप में उसके क्वेश्चन आंसर भी जल्दी आ जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहे और आपको बेल आइकन दबा के आप नोटिफिकेशन सारी आपको मिल सके, ठीक है। तो पालमपुर गांव की कहानी आज हम शुरू करने वाले हैं और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे। इकोनॉमी होती क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, अभी आपको समझ में आएगा। 8वीं तक अभी आपको समझ में नहीं आया था कि क्या चीज होती है, लेकिन 9th क्लास में ये अब आपके सामने आने वाला है, ठीक है। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल्य विचारों से परिचय कराना है और ऐसे हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। मतलब वैसे तो बहुत सारे गांव हैं ऐसे पालमपुर देश में, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन ये एक काल्पनिक कहानी है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो जो पालमपुर जो भारत में होगा ये उसी गांव की कहानी है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। अर्थात वहां पे खेती मुख्य तौर पे करी जाती है, लेकिन परिवहन है, डेयरी मतलब दूध वगैरह का, और छोटे मोटे जो विनिर्माण है मतलब कुछ चीजें बनाई भी जाती है वहां पर छोटे स्तर पे है। इन उत्पादन की क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि, ठीक है। जैसे आपको पता है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और मानव निर्मित वस्तुएं जो हम लोग प्राकृतिक संसाधनों से ही उनको हम लोग ट्रांसफॉर्म करके, उनको हम परिवर्तित करके, अपने थोड़ा मेहनत लगा के मानव निर्मित वस्तुएं बना देते हैं, मानव के प्रयास है, मुद्रा है मतलब पैसा है, ये सारी जो चीजें हैं ये इन सारे इन प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। पालमपुर की कहानी में हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है, कि एक व्यवस्था अर्थव्यवस्था मतलब पैसों से जुड़ी हुई, अर्थ का अर्थ ही है कि पैसे, ठीक है, पैसे अर्थात मुद्रा, वो वस्तु जिसके द्वारा आपका घर बार, आपका संसार, आपका परिवार चलता है, ठीक है, और उसको चलाने की जो चीजें हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात जैसे आपके घर में भैया आपके भोजन के लिए, दाल रोटी के लिए माता पिता काम पे जाते हैं, उनको काम पे जाते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, उन पैसों से वह चीजें खरीदते हैं जिनको वह इस्तेमाल करते हैं, आपके घर, आपके स्कूल की फीस, आपके ट्यूशन की फीस, आपकी किताब या आपके ड्रेस या जो भी है जिनको सरकार देती है, तो सरकार को टैक्स पे करते हैं वह और सरकार के प्रति काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सब चीजें आ जाती हैं, उत्पादन, उसका सुनियोजन, उसका बंटवारा, उसको खरीदना, उसको बेचना, खाना पीना, ये सारी चीजें जिसमें भी जहाँ पे भी पैसों की आवश्यकता होती है, जो भी धन से जुड़ी हुई चीजें हैं वे सारी इसके अंतर्गत आती हैं। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में ये सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंस, बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जा सकते हैं, ठीक है। आप देखिए भाई, परिवहन भी आवश्यकता है, आपको अगर अर्थव्यवस्था में काम करना है तो परिवहन की भी बहुत आपको आवश्यकता लगेगी। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, ठीक है। जो भी जातियां हैं हमारे पूरे भारत के अंदर वह सारी, बहुत सारी जातियां वहां पे हैं और 450 परिवार, 450 घर वहां पे हैं, ठीक है। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वह गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली, खेती में सभी
नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे जैसे सड़क है और एक खेत वगैरह है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। प्राथमिक आपको पता है प्राथमिक विद्यालय क्या होता है, जहाँ 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है, और हाई स्कूल वो होता है जहाँ 10वीं तक का स्कूल होता है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी औषधालय भी जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। आपको पता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता है, जहाँ पर आपको शुरुआत में बुखार और इन सब चीजों की दवाएं वगैरह मिलती है। निजी औषधालय मतलब प्राइवेट औषधालय भी है, ठीक है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव से उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। आपको भी तुलना करना है कि आप अगर गांव में रहते हैं या आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, नगर में रहते हैं, क्या वहां भी ऐसी सुविधाएं हैं या उससे अधिक हैं, ठीक है। आपको कल्पना करनी है, और कल्पना क्या, आपको खुद बताना है भाई आपके आसपास क्या है, और कमेंट बॉक्स में लिखना भी है, ठीक है। आप ये बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं, बिकॉज अगर आप भाई पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी होनी चाहिए, और तभी हम चीजों को समझ सकते हैं। मस्ती का अर्थात सकारात्मक रूप से, जब आप अपने घर के आसपास बताओगे भैया मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है, आपकी डिस्पेंसरी कहाँ है, अस्पताल कहाँ है, क्या उसकी दशाएं हैं, तो लोगों को पता भी तो लगेगा। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन प्रकारों की क्रियाओं पर विचार करेंगे। मैंने अभी जस्ट कल ही कृषि की वीडियो डाली है, क्लास 8 की ज्योग्राफी की, आप उसको देखेंगे। आप उसमें मैंने आपको बताया साफ साफ कि प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर क्या होते हैं। पहले जो जिसमें प्राकृतिक संसाधन डायरेक्टली हम खेती करते हैं, माइनिंग करते हैं, मत्स्यन करते हैं, डेयरी उत्पाद वगैरह, ये सब प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। कृषि के अंदर सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें हम फलों का उत्पादन करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं, मछली का हम तालाबों में पालते हैं, ये सब फर्स्ट सेक्टर है, ठीक है, प्राथमिक सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंड में उसके द्वारा हम लोग चीजें बनाते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाते हैं, गेहूं से आटा बनाते हैं, खाने पीने की चीजें बनाते हैं। कृषि और ये विनिर्माण के बाद में जो तीसरा सेक्टर होता है वो सर्विसेज का सेक्टर होता है। ये मैंने कल ही वीडियो में किया, अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट इसके पहले वाली जो वीडियो चैनल पे आपको मिलेगी वो यही होगी। ये तथ्य आंशिक रूप से गिलबर्ट 18 के शोध अध्ययन पर आधारित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में एक गांव से है, ठीक है। उत्पादन का संगठन, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जल, वन, जैसे जल, वन खनिज जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे। दूसरी आवश्यकता है श्रम, जैसे लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की श्रम जरूरत होती है, मतलब पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है, ऐसे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है, ठीक है भाई। जैसे जिसकी श्रद्धा अर्थात जैसे जिसके कार्य की जरूरत, वैसे उसको श्रम उत्पादन करना पड़ता है, श्रम प्रदान करना पड़ता है। सीधी सी बात है भाई, अगर आप पढ़े लिखे हो, आप कंप्यूटर जानते हो, तो आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो 8 घंटे, आप सारा डेटा, कितना माल आया, कितना माल गया, कितने कीमत लगानी है, ये सब करना है। जो कम पढ़ा लिखा है, जो ताकतवर है, जो मेहनती है, वो अपना उस हिसाब का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अपने उत्पादन के आवश्यक श्रम प्रदान करता है प्रत्येक श्रमिक। और तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है, क्या आता है भैया? औजार आते हैं, मशीन, भवन, औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। भैया भौतिक पूंजी स्थायी पूंजी होती है, एक बार ले लियो कई सालों तक चलती है, यानी कि भैया एक ही बार की और नहीं, ठीक है। कच्चा माल, नकद मुद्रा, उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को
कार्यशील पूंजी कहते हैं। भौतिक पूंजी में एक स्थायी पूंजी हो गई और एक कार्यशील पूंजी हो गई, तो आपको समझ में आ रहा होगा। औजार मशीन तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है, अर्थात मतलब इसको फिर दोबारा लेना पड़ता है भाई, दोबारा पैसे भी इकट्ठे करने पड़ते हैं, दोबारा मिट्टी वगैरह लेनी पड़ती है, कपास लेना पड़ता है, कच्चा माल भी लेना पड़ता है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है, क्रिया कार्यशील पूंजी है। ठीक है, एक चौथी आवश्यकता भी होती है आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि श्रम और बौद्धिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं, आजकल इसे मानव पूंजी भाई थोड़ा ये कहां चलेगा कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। ठीक है, जितना हमें पता होना चाहिए इस एज में वो और इस कक्षा में, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम धीरे धीरे समझ समझ के पढ़ते रहे। देखिए भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग कारखाने में लगे हैं, कारखाने में मशीनों पर कार्य करते श्रमिक। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। ठीक है, आपको देखो भैया भूमि मतलब ये जगह है, ठीक है, और मतलब जो हमारा जल जो हमारे संसाधन है, श्रम अर्थात श्रमिक दिख रहे हैं आपको, और स्थायी पूंजी में आपको मशीनें दिख रही होंगी। उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम तीन कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, हम क्या कहेंगे, पूंजी कहेंगे, भौतिक पूंजी नहीं कहेंगे। किसको भौतिक पूंजी क्या थी भैया, अभी हमने पढ़ा था, भौतिक पूंजी ये है, क्या है, जिसके अंदर औजारे हैं, मशीन है, भवन है, ठीक है, कंप्यूटर है, टर्बाइन है, कच्चा माल है, नकद मुद्रा है, ये सारी भौतिक पूंजी है जिसको हम सिर्फ पूंजी के रूप में इसमें पढ़ेंगे। पालमपुर में खेती, ठीक है, पालमपुर में खेती, भूमि स्थिर है। तो साथियों भूमि स्थिर है, ये जो अभी आपके सामने जो दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या है कि पालमपुर में खेती के उत्पादन प्रमुख क्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके पश्चात क्या उसी भूमि के अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, मतलब जो हमारे पास संसाधन है क्या हम उसमें उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और अन्य प्रकार से फसलों की प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे भारत में विकास हुआ ये सब हम पढ़ेंगे, आधुनिक कृषि के तरीके पढ़ेंगे, और उन्नत बीजों के बारे में पढ़ेंगे, क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको पालमपुर की पूरी कहानी को एक साथ एक ही वीडियो में करेंगे, और हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको थोड़ा अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बताया थोड़ा सा, कि कैसे कैसे उत्पादन होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या क्या उसके अंग हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, क्या क्या खनिज संसाधन है, क्या क्या संसाधनों की उपयोगिता होती है, ठीक है, और हमने उसके अंदर पूंजी के बारे में पढ़ा, भूमि के बारे में पढ़ा, श्रम के बारे में पढ़ा, मानव पूंजी के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजें जो हैं हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक पढ़ी हैं, और इसके बाद में हम ये उत्पादन का संगठन था, इसके बाद में हम पढ़ेंगे पालमपुर के अंदर जो उत्पादन होगा किस प्रकार से होगा। तो यहाँ तक ये वीडियो है, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, नई वीडियो स्टार्ट है ये अर्थशास्त्र की क्लास 9th की, और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, ट्यूशन की कमी है, या कोई भी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उन सबको हेल्प हो, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो मैंने आपसे पूछा था वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर के अंदर रह के पढ़िए, अच्छा खाइए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, और एक छोटा सा मैसेज अभी आपके सामने आएगा, आप वो भी देखिए और उसको फॉलो भी करिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।